अभी हम मौजूद हैं हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिरनिया गांव में। यह गांव ऐसा है कि अपने आप में यहां पे एक मिसाल कायम हो रही है। यहां के नौनिहाल खुद से डगमगाती नैया पे नाव पार करते ही हैं पढ़ाई के लिए। साथ में यहां पे जो पद स्थापित गुरुजी हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अभी जिस नाव पे हम सवार हैं उस पे आप देख सकते हैं दर्जनों ऐसे छात्र हैं जिनको इनके स्कूल के विद्यालय के गुरुजी नैया खेप कर विद्यालय ले जा रहे हैं। ऐसा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा और ये पहली बार देख रहे होंगे कि एक गुरुजी नाव खेप के दर्जनों छात्र को, और ये इनका रोज प्रतिदिन का यह कार्य है। इनसे हम बात भी करेंगे। छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं। बाबू कहाँ से आ रहा है? कौन से क्लास में हो? चौथा में हो? क्या नाम है? रोज ऐसे ही नाव पे जाते हो? क्या नाम तुम? कौन से क्लास में हो? फाइव में। तो नाव में जाती हो, डर नहीं लगता है? रोजाना सर ले जाते हैं तुमको नाव से, और स्कूल में ले जाकर के पिटते भी हैं? बहुत बोली बच्ची। हम सर से बात करेंगे कि एक मानवता की मिसाल। गुरु बोला गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, तो उसका साक्षात प्रतीक है। कि सर बताएंगे कि कितना, मतलब रोज आप इस तरह से बच्चों को स्कूल ले जाते हैं? जी सर, कितना? ये कोशक क्षेत्र है सर, और इस पार से इस पार हमारा स्कूल पड़ता है जो सामने नज़र आ रहा है स्कूल हमारा, और डेली हम आते हैं 6 बजे बच्चे को साथ लेके जाते हैं। मतलब प्रतिदिन कितना चक्कर लगाते हैं अपना होगा बच्चों को लेकर? बच्चे सबको इकट्ठा करके ले जाते हैं। आपको लगता है कि एक तरफ जो टीचर हैं बड़े बड़े गाड़ियां से आते हैं स्कूल जाते हैं, और आप नाव पे इन तमाम जो देश के नौनिहाल हैं समाज के नौनिहाल हैं इनका भविष्य कर रहे हैं, बच्चों को भी एक अच्छा मैसेज जाता हूँ क्या? मतलब समाज में क्या चर्चा होती है? समाज में तो बोला जाता है कि अगर सर आप लोग के स्तर से अगर पुल बन जाए तो बेहतर होगा, मगर हम लोग भी अपने स्तर से किए थे, अप्लीकेशन कहीं कहीं दिए हैं, मगर आज तक पुल का कोई नहीं है। मगर यही रोजमर्रा की जिंदगी है कि नाव से बताते। क्या नाम होता है आपका? सैयद अब्बास। कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर सिरनिया। तो ये प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर सिरनिया के शिक्षक हैं जो कि आज देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज जो ये खबर लोग देख रहे होंगे, जो शिक्षक के प्रति गलत भावना रख रहे होंगे, आज उन तमाम लोगों के मन की बात शांत हो जाएगी कि एक शिक्षक ऐसा भी है जो इतनी परिश्रम से इन बच्चों को इन नौनिहालों का भविष्य गढ़ने में लगे हुए हैं। यहाँ के बच्चे इन सारी मुसीबतों के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं तोड़े। इस डगमगाती नैया में इनका निश्चय जो है, इनका हिम्मत जो है, वो आज भी टारगेट पे है। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, इंजीनियर बनने की ख्वाहिश है, और बड़े अधिकारी बनने की ख्वाहिश है। इसके बावजूद यहाँ के जो स्थानीय आप कह सकते हैं सरकार के प्रति लोगों की भावना है आज भी रोषपूर्ण है। यहाँ पे जरूरत है कि इन नौनिहालों की इस मुसीबत को देखते हुए इनकी वही असुविधा देने के लिए जो कि इनके आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करे, सुरक्षित करे, और एक भविष्य गढ़ सके यहाँ के नौनिहाल। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से हम लोग।